अगर एक ही आईडी से दो तीन बच्चे ज्वाइन हुए हैं तो दो तीनों बच्चे अपना नाम टाइप करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंकुश डाक नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आपको अपना नोट्स बनाना ही, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, तो गणित विषय में पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रखा है, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण, फिर हम लोगों ने पढ़ा था 2D शेप द्विविमीय आकृति, फिर हम लोगों ने पढ़ा था सीमा परिमाप और क्षेत्रफल, और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था त्रिभुज का परिमाप निकालना, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, फिर हम लोग इसके बाद क्या पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखे थे, फिर हम लोग ने विभिन्न प्रकार के समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखा, जिसमें कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकाला, फिर हम लोग वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखे, फिर हम लोग क्या सीखे, समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखे, और पिछली क्लास में हम लोग ने सीखा था जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना और सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखा था, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना। क्या होता है जटिल आकृति, तो जब विभिन्न प्रकार के एक दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के आकृति मिलकर जब एक आकृति बनाते हैं, वे आकृति हमारे क्या कहलाते हैं, जटिल आकृति कहलाते हैं। उसी प्रकार मैंने सर्वांगसम आकृति बताया था कि अगर दो आकृति सर्वांगसम होती हैं तो उनका क्षेत्रफल भी हमेशा बराबर होता है। तो इस चीज से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ये प्रश्न जो है आपका जटिल आकृति से संबंधित प्रश्न है, तो सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, तो पोल सेक्शन में जाकर देना है। आप पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन बोला है दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे, अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। चलिए लास्ट 1.5 मिनट, अभी भी आपके पास 1.5 मिनट का वक्त है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। तब तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन आकृति बन रही है, एक आकृति ये हो गई, दूसरी आकृति ये हो गई और तीसरी आकृति ये हो गई। तो तीनों आकृति का हम लोग अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे तो हमें इस कुल आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हिंट काफी है, लास्ट एक मिनट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 50 सेकेंड, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस जटिल आकृति जो है तीन आकृतियों से मिलकर बनी है, तो तीनों आकृतियों का हम लोग अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उन तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमें कुल आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जतिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया है, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे सर बच्चे, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों आकृतियों को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं, इन तीनों आकृतियों को हम लोग अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं इस त्रिभुज को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ इस, चलिए
चतुर्भुज को जो कि हमारी आयत है, ठीक है। फिर मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं आपका जो कि है वर्ग है, ठीक है। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं। तो देखिए ये हमारा है त्रिभुज, तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। चलिए तो इसकी आधार कितनी है, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक कितनी है, ये है 3 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका निकाल लेते हैं, तो ये जगह आपके पास 1/2 आधार हो गए 3 सेंटीमीटर × 4, तो ये क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या, देखिए 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 6 cm², है ना। यानी त्रिभुज का जो इसका क्षेत्रफल कितना गया, इसका क्षेत्रफल आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसी प्रकार अब देखते हैं हम लोग आयत का। तो देखिए यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, तक कुल कितना हो गया, ये हो गया कुल 6 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक कुल कितना है, ये 5 सेंटीमीटर। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, के लिए यहां पर कर देते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हो गई 6 × 5, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 सेंटीमीटर, है ना। यानी इस आयत का क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आती है इस वर्ग का, तो देखिए ये क्या है, ये भुजा कितनी है 2, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और ये भुजा कितनी है, ये भुजा है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। हाँ अगर आप पिछली क्लास में नहीं आए थे तो इस क्लास में हम लोग बहुत ही सरल सरल प्रश्न करने वाले हैं, बहुत ही सरल, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, जैसे कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, आयत का क्षेत्रफल निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आता है, तो आप इस प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था जटिल आकृति में जब दो या दो से अधिक आकृति मिलकर एक आकृति बनते हैं तो उस आकृति को हम लोग जटिल आकृति कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे 3 आकृति, एक आकृति ये हो गया, दूसरा आकृति ये हो गया, तीसरा आकृति ये हो गया, तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, ये होगा 2 × 2, ये हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो गया क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज की क्लास हम लोग यहीं से शुरू किया है, जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं, वो कोशिश करेंगे क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जटिल आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना था, तो इसमें हमारे पास 3 आकृति थी, पहला त्रिभुज, दूसरा आयत, चौथा वर्ग, तीसरा वर्ग। हमने क्या किया, इन तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल को जोड़ दिया, तो हमें मिल जाएगा हमारी आकृति का क्षेत्रफल, जो कि किसके बराबर होगा, चलिए देख लेते हैं, जो कि किसके बराबर होगा देख लेते हैं हम ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए यह है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जोड़ते हैं 6 + 30 + 4, कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कुल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए जल्दी जल्दी लेंगे स्क्रीनशॉट, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी के सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था, ठीक है। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क वाली कॉपी निकाल लेंगे, होमवर्क वाली अपने नोटबुक निकाल लेंगे, जहां पे आपको होमवर्क मिला जाता है, बनाते हैं आप लोग न्यू कार्यक्रम नाम से जो आपको वर्कशीट मिली है उसको निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपना होमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। तो होमवर्क डिस्कस करने के सीरीज में सबसे पहला हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे प्रश्नमाली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, जिस क्वेश्चन में किसी बच्चा को डाउट होगा वो बच्चा क्वेश्चन नंबर टाइप करेगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे।
चलिए, ये क्वेश्चन आपका है कि एक मेज के ऊपरी, चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे बहुत ही सरल प्रश्न है ये। हमारे पास एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है, तो देखिए मानते चलिए समलंब हो गया, ये हमारी हो गई समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ऊपरी समांतर भुजा ये हो गई 1 मीटर, दूसरी समांतर भुजा हो गई 2 मीटर, है ना। पहला समांतर भुजा हो गया 1 मीटर, दूसरा समांतर भुजा हो गया 2 मीटर, और इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी जो है ये दिया हमें 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। और हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन है, एक ये है एक ये है, इन दोनों का योग, तो 1+2 गुने इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है 0.8। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 गुने 2 × 3 गुने 0.8। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा आपके पास 1/2, या इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट कटा देते हैं हम लोग, 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 0, 2 × 4 = 8, जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 1.2 मीटर स्क्वायर, 1.2 मीटर स्क्वायर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार आपका है क्वेश्चन नंबर 3, सेम इसी प्रकार है, आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए इसी प्रकार आपका गया प्रश्न वाले 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले बनाया है। चलिए मैं एक बार बता दूं, ध्यान देंगे सर बच्चे, चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। हमें निकालनी है परिमाप, हमें क्या निकालनी है परिमाप, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। देखिए ये हो गई हमारी समलंब चतुर्भुज ABCD, जिनकी समांतर भुजा कौन कौन सी है, एक है 5 सेंटीमीटर, दूसरा है 7 सेंटीमीटर, है ना, और उनके असमांतर भुजाएं बराबर है, मतलब ये भुजा क्या है बराबर है, जो असमांतर भुजाएं है वो बराबर है, और उनकी लंबाई जो दिया है वो दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर, यानी अगर ये 3.5 है तो ये भी क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी परिमाप ज्ञात करनी है, जल्दी से बताइए सर बच्चे क्या होगी इसकी परिमाप। परिमाप तो बहुत ही सरल है, चारों भुजाओं के मापों का योग हमारी क्या कहलाती है परिमाप कहलाती है। चलिए जोड़ देते हैं, तो 7 + 3.5 + 5 + 3.5, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 × 7 = 14 × 5 = 19 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों को इस प्रश्न में डाउट था उन बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जिन बच्चों को इस प्रश्न में डाउट था, इस प्रश्न का डाउट था, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। समझ में आ गया सर बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या तीन बताता हूं, ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए समलंब के आकार का कोई, एक समलंब के आकार का कोई खेत है, चलिए मान लेते हैं हमारा खेत है जो एक समलंब चतुर्भुज के आकार का है, जैसे ABCD, ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना है 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमें दिया गया है 15 मीटर, उसमें से एक समांतर भुजा की लंबाई दी गई हमें 20 मीटर, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं चलिए ये हो गया, इसको मैं मान लेता हूं x, दूसरी समांतर भुजा की मान लेते हैं हम लोग x, तो हमें x ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, तो एक समांतर भुजा है 20 और दूसरा समांतर भुजा हम लोगों ने कितना मान लिया है
एक्स मानिए 20 प्लस एक्स गुने इनके बीच की दूरी कितनी है 15, ठीक है, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। कितना दिया, क्षेत्रफल दिया 480, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया क्षेत्रफल 480 बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 20 प्लस एक्स गुने 15, 20 प्लस एक्स गुने 15। अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए जो नीचे है उसको ऊपर लेके चले जाएंगे, जो ऊपर है उसे नीचे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 480 गुने 2/, ये 15 ऊपर है तो 15 को नीचे ला देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे यहाँ पे सर बच्चे, देखिए इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं कर दूँ थोड़ा सा, इसको इधर करता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या 480 गुने 2/15 बराबर हो जाएगा आपके पास 20 प्लस एक्स, इसको गुना कीजिए तो ये जगह 15 से कटेगा, 15 3 45, 15 कम 15, 15 3 45, और क्या होगा यहाँ पे 3, तो 15 2 30, तो ये हो जाएगा 32 2 64 बराबर हो जाएगा 20 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, देखिए प्लस में है तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस में, तो 64 माइनस 20 बराबर हो गया एक्स, तो यहां से आ जाएगा 4, 6 में से 2 गया 4, तो ये हो जाएगा 44 मीटर। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 44 मीटर, और x हमने किसको माना था, तो हम लोगों ने x माना था हमारी दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, तो कितनी हो जाएगी दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 44 मीटर। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे जल्दी जल्दी, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे जल्दी जल्दी, आगे समझ सर बच्चों को। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या फोर फॉर्म डाउट है, चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या फोर भी देख लेते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए प्रश्न संख्या फोर भी बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे सर बच्चे। यहाँ पे बोल रखा है देखिए ए बी सी डी की बार की लंबाई, हमारे टोटल लंबाई दिया है 120 मीटर, यदि बी सी की लंबाई 48 मीटर, चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपकी बी सी, चलिए यहाँ पे ए डी भी दिया हमारे, पहले एक मिनट जाइए, हाँ ये हो जाएगा मान लीजिए आपके पास बी सी, और ये हो गई हमारे पास सी डी की लंबाई 4 मीटर, बी सी की लंबाई हमारे पास हो गई 48 मीटर, और ए डी की लंबाई हमारे पास हो गई 40 मीटर। तो ए बी भुजा ए, तो समांतर भुजा कौन कौन सा दिया, समांतर भुजा दिया ए डी और बी सी, हाँ चलिए ठीक है मैंने बना दिया, देखिए ये हो गया समांतर भुजा BC, और भुजा AB का मान हमें ज्ञात करना है, तो भुजा हमें किसका मान ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न था, आपको क्या करना था, सिर्फ आपको इसका फिगर ड्रॉ कर लेना था, डायग्राम अच्छे से बना लेना था। डायग्राम कैसे बनाया मैंने, देखिए मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है AD समांतर है BC के, तो मैंने देखिए AD समांतर है BC का मैंने कर दिया, जो कि AD का मान दिया हमें 40 मीटर, BC का मान दिया हमें 48 मीटर है ना, और देखिए CD का मान हमें दिया है 17 मीटर, और कुल कितना लंबाई दिया है 120 मीटर कुल लंबाई दिया बार का, इसका मतलब वो हमें परिमाप दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है, और परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा आपका AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD है ना, और परिमाप हमें कुल कितना दिया है 120 मीटर, तो 120 बराबर ए बी हमें निकालनी है, चलिए ए बी प्लस बी सी की लंबाई कितनी है 48 प्लस सी डी की लंबाई है 17 प्लस ए डी की लंबाई है 40। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे सर बच्चे कि ए बी की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ हो गया 120 और ये हो जाएगा ए बी प्लस, इसको जोड़ देते हैं, चलिए 8 7 15, ठीक है 4 4 8 1 9 95 हो गया, तो ए बी का मान आ जाएगा 120 माइनस 95, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर,
कितना होगा ए बी की लंबाई 25 मीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाट्सएप करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाट्सएप करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। पहले हम लोग ने परिमाप निकाल लिया, अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना बहुत ही सरल है। हम लोगों ने अगर इसके बीच की दूरी निकाली है 25, तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए मैं यहां लिख रहा निकालता हूं, चलिए नीचे क्या हो गया जी? एक बार सारे बच्चे बताएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। एक बार सारे बच्चे बताएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। एक बार सारे सारे बच्चे बताएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। सारे सर बच्चे बताएंगे एक बार समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। जल्द से जल्द बताएंगे सर बच्चे। सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी, गुने उनके बीच की दूरी। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाट्सएप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाट्सएप करेंगे। सारे बच्चे आगे, सारे बच्चे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्नवाली था आपका वर्ग, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं इससे। चलिए प्रश्नवाली 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये वर्ग वाला था, सबसे सरल प्रश्न है इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट आपको, देखिए बहुत ही सरल, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ध्यान देंगे सर बच्चे, बहुत ही सरल है। हमें क्या बोला है कि वर्ग भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है अगर उनका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग है ना। तो क्षेत्रफल दिया 16, तो बराबर भुजा का वर्ग। तो जब भुजा का वर्ग मतलब जब भी वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ क्या होता है, वर्गमूल चला जाता है। तो वर्गमूल ऑफ 16 किसके बराबर होगा, तो वर्गमूल ऑफ 16 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर। यानी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों को इस प्रश्न में डाउट था जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाट्सएप करेंगे। जिन बच्चों को इस प्रश्न में डाउट था जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाट्सएप करेंगे। आगे समझ में? चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.2, प्रश्नवाली 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तीनों के तीनों एक ही तरह का प्रश्न है, तीनों के तीनों एक ही तरह का प्रश्न है। मैं क्या करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं ताकि आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तीनों के तीनों एक ही प्रकार का प्रश्न है। ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है अगर उसका क्षेत्रफल हमें 625 दिया गया है। तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। और हमें क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल हमें दिया है 625 बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग। और जब भी वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल चला जाता है। तो ये हो जाएगा वर्गमूल ऑफ 625 किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमें भुजा मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है वर्ग की परिमाप क्या होती है, तो वर्ग की परिमाप होती है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या होती है, 4 गुने भुजा। तो ये हो जाएगी 4
गुने 25 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगा 25 सौ का 100 सेंटीमीटर, 25 चौका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा 100 सेंटीमीटर, आगे समझ में। चलिए इस प्रकार से ये प्रश्न वाली भी समाप्त हुई। चलिए 4.4 का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन है आपका 4.2 का, ये क्वेश्चन नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी 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 आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ले लिया तो आप चैट बॉक्स में वाइट कीजिए, अगर आपने इस प्रश्न का ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, हम लोगों ने यहाँ तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड फिगर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड फिगर, ठोस आकृतियां, त्रिविमीय आकृति, 3D शेप, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया था, बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया था। क्या बताया था कि त्रिविमीय आकृति क्या होती है? तो त्रिविमीय आकृति वो आकृति होती है जिनके पास तीन विमाएं हो। तीन विमाएं हो कहने का मतलब क्या हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। ऐसी आकृति जिनके पास तीन विमाएं हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसे कहते हैं त्रिविमीय आकृति, उसे कहते हैं 3D शेप, उसे कहते हैं 3D शेप। कैसे समझते हैं हम लोग, चलिए इसको हम एक आकृति के जरिए समझ लेते हैं। ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए ये आकृति आपको दिख रहा होगा, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ऊंचाई, ये हमारी क्या हो जाएगी ऊंचाई। यानी किस प्रकार का शेप है, तो ये आपका है त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। ये किस प्रकार शेप है, ये है आपका त्रिविमीय आकृति, यानी 3D शेप। अगर सारे बच्चों को ये 3D शेप समझ में आ गया है तो क्या बच्चों को आइडिया करेंगे, ऐसा शेप, ऐसा आकृति जिनके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, वो हमारी क्या कहलाती है, त्रिविमीय आकृति कहलाती है। आगे समझ में। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा और अच्छे से आपको सिखा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको और अच्छे से थोड़ा बहुत आपको सिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान देंगे, मैंने आपके लिए देखिए बनाकर रखा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है सभी बच्चों को दिख रहा है। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है 3D आकृति, 3D आकृति। इसमें क्या है देखिए, ये क्या है मान लीजिए, चलिए इसको इससे करके दिखाता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे। देखिए अगर ये आपकी लंबाई है, अगर ये आपका नीचे लंबाई है, तो देखिए ये आपकी लंबाई है और ये क्या है आपका ऊंचाई है, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए ये लंबाई है तो ये क्या है ऊंचाई है, चौड़ाई कहाँ गया, चौड़ाई इसकी ये हो जाएगी नीचे वाली, तो देख सकते हैं आप सारे बच्चे देख सकते हैं। देखिए 3D, देखिए ये हो गया आपकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये आपकी ऊंचाई, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे देखिए एक ये भी देख सकते हैं, देखिए ये क्या आपका क्यूब है, दिख रहा है सारे बच्चों को, अगर सारे बच्चों को ये दिख रहा है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, अगर सारे बच्चों को ये दिख रहा है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, दिख रहा है सर बच्चों को ना। चलिए ध्यान देंगे, देखिए इसमें क्या देखिए हमारे, इसमें क्या ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए अगर ये हम लोग इसको लंबाई मानते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी और ये इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला इसका चौड़ाई हो जाएगी। ऐसे भी समझ सकते, देखिए एक और मैंने बना कर रखा है, देखिए ध्यान देंगे सर बच्चे, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ध्यान देंगे, चलिए हंसना नहीं है किसी को, हंसना नहीं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए ये अगर हमारी लंबाई है, ये अगर हमारी लंबाई है और ये हमारी क्या देगी ऊंचाई, और सेम उसी प्रकार ये हमारी क्या देगी चौड़ाई। फिर से सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर, देखिए ये अगर हमारी लंबाई है तो ये हमारी क्या देगी चौड़ाई और ये हमारी क्या हो जाएगी ऊंचाई। तो इस प्रकार ऐसा आकृति जिनके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, क्या कहलाती है, वे हमारे 3D शेप कहलाते हैं। इसी प्रकार एक और है मेरे पास, देखिए ये आपके पास है, देखिए मोबाइल का डब्बा है, देखिए मोबाइल का डब्बा है, देखिए ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए ये क्या हमारे लंबाई ऊंचाई और ये हमारी चौड़ाई। तो इस प्रकार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाती है जिस आकृति के पास, वो आकृति क्या कहलाती है, वो आकृति हमारी 3D शेप कहलाती है, त्रिविमीय आकृति कहलाती है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में वाइट करेंगे कि हमको 3D शेप समझ में आ गया है, त्रिविमीय आकृति समझ में आ गई है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वाइट करेंगे।
जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे सर बच्चे, आगे समझ में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो ऐसी आकृति जिनके पास तीन विमाएं हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसे कहते हैं 3D शेप। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बहुत सारा आकृति दिखाया, जैसे कि सबसे पहले देखिए मैंने ये घनाभ दिखाया था आपको, जो कि आपके सामने ये दिख रहा होगा। देखिए तो इसके बाद क्या देखिए, ये हो गया लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई, ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई, है ना। चलिए मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए यहाँ देख लेंगे सर बच्चे, देखिए चलिए मैं इसको लिख लिख के भी दिखा दूँ, ध्यान देंगे देख सर बच्चे। देखिए अगर हम लोग इसको लंबाई मानते हैं, यहां से यहां तक अगर हम, ये लंबाई है तो ये क्या हो गई, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है मैंने इसको एच लिख देता हूँ, ऊंचाई ये होगी लंबाई, तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई ये हो गई हमारी, देखिए ये हो गई हमारी चौड़ाई जिससे हम लोग 20 डिनोट करते हैं ब्रेथ। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी 3D आकृति हुई, ये हमारी क्या हुई 3D आकृति हुई। आगे समझ में सर बच्चों को। चलिए इसी प्रकार मैं आपको दो तीन और उदाहरण के जरिए समझाता हूँ कि जिसके पास तीन विमाएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी त्रिविमीय आकृति कहलाती हैं। उसी प्रकार देखिए ये हमारी क्या है, घन है, मतलब इसके पास में तीन तीन है, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई, है ना। ठीक है समझ में आ गया। देखिए उसी प्रकार देखिए ये है, ये हमारी क्या हो जाएगी वृत्त, इसमें दो वृत्त है और इनको हम लोगों ने एच हाइट तक, एक एच ऊंचाई तक हम लोगों ने इसको उठा दिया है, तो ये हमारी हो जाएगी 3D शेप, तो ये भी हमारी 3D शेप हो जाएगी। उसी प्रकार ये भी देखिए, ये हमारी एक वृत्त हो गई 2D शेप और इसको मैंने एच हाइट तक ऊंचाई तक इसको उठा दिया है, तो ये हो गई हमारी थी हमारी 3D शेप, त्रिविमीय आकृति। अगर सारे बच्चों को ये त्रिविमीय आकृति समझ में आ गई है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करना है, टी टाइप करना है। वाई नहीं टाइप करना है, क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है। चलिए इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कुछ आपके दैनिक जीवन से संबंधित त्रिविमीय आकृति। मैंने बताया था पिछली क्लास में भी 3D आकृति के दैनिक जीवन, बताइए कौन कौन से आपके दैनिक जीवन में उदाहरण है, कौन कौन से दैनिक जीवन में उदाहरण है। बुक हो गया, बहुत बढ़िया देखिए, हाँ बहुत बढ़िया। सिलेंडर हो गया, देखिए ये हो गया आपके पास फुटबॉल, बॉल हो गया, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी 3D आकृति है। क्यूब हो गया जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया, क्यूब ये क्या है, ये भी आपकी एक 3D आकृति है। ठीक है ये देखिए आपका बकेट बाल्टी, ये भी आपकी एक 3D आकृति है। बुक ये भी आपकी एक 3D आकृति है, मतलब ऐसा आकृति जिनके पास लंबाई हो चौड़ाई हो और ऊंचाई हो उसे हम लोग कहते हैं 3D आकृति, 3D आकृति। हाँ टीवी हो गया, बॉल हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, तो पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आपके पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड का वक्त है। सारे सर बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, सारे सर बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, इस प्रश्न को कहां करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 वन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, ध्यान देंगे। देखिए ये हमारी पूछा गया है इसमें कौन सी त्रिविमीय आकृति है, ये क्या है, इसमें हमारी सिर्फ लंबाई है और ये हो गई चौड़ाई है, क्या ये हमारी त्रिविमीय है, नहीं है। इसमें भी देखिए ये हमारी लंबाई है और ये हमारी क्या है, ऊंचाई है, इसमें भी दो विमा है यानी ये भी नहीं है, और देखिए ये हमारी लंबाई है और ये हमारी क्या है, चौड़ाई है, तो यानी ये भी हमारी त्रिविमीय आकृति नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई और ये हमारी हो गई ऊंचाई, तो ये हमारी हो गई 3D से त्रिविमीय आकृति, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है,
अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे, आगे समझ में। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड आकृति में ठोस आकृति में हम लोग एक एक टर्म एक एक आकृति पढ़ते चलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग आकृति पढ़ेंगे किसका, क्यूबॉइड का, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड, हिंदी में कहते हैं घनाभ। और घनाभ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फलक किसे कहते हैं, किनारे किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, फलक कहने मतलब कि फेस किसे कहते हैं, एज किसे कहते हैं और वर्टेक्स किसे कहते हैं। सबसे पहला बात आता है घनाभ, फिर हम उसके बाद आएंगे फलक पे, फिर आएंगे किनारे पे, फिर आएंगे शीर्ष पे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि घनाभ हम लोग किसे कहते हैं, सबसे पहले किसको सीखते हैं, घनाभ हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए घनाभ को समझने के लिए सबसे पहले मैं सारे बच्चों से समझाना चाहता हूँ कैसे आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए आयत सभी बच्चे जानते हैं आयत क्या होता है, तो आयत वो आकृति होती है, वो चतुर्भुज होती है जिनके पास लंबाई और चौड़ाई होती है। आयत वो चतुर्भुज होता है, आयत वो चतुर्भुज होता है जिसके पास लंबाई और चौड़ाई होती है, मतलब जिसके पास दो विमाएं होती है वो आयत कहलाती है। ये होगा आपके पास, ये कहलाएगा आयत। अब देखिए ये होता है आपका द्विविमीय आकृति, ये होता है आपका 2D शेप। मैंने बता रखा है ऐसी आकृति जिसके पास दो विमाएं हो वो कहलाती है द्विविमीय आकृति, 2D शेप। अगर हमें 2D शेप को 3D शेप में बनानी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके पास तीन विमा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके पास तीन विमा देते हैं, कैसे देंगे, चलिए इसमें हम तीन विमा बना देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको तीन विमा देते हैं, मैंने क्या किया, इसको तीन विमा दे दिया। कैसे दिया, इसको मैं क्या करता हूँ, एच हाइट तक, एच ऊंचाई तक इसको बढ़ा देता हूँ। चलिए मैंने क्या किया, इसको एच ऊंचाई तक मैंने इसको बढ़ा दिया। देखिए मैंने क्या किया, इसको एच हाइट तक बढ़ा दिया, तो ये हो गई देखिए हमारी ऊंचाई। तो जब हम इसके पास एक और विमा दे देते हैं तो यही आयत, यही रेक्टेंगल हमारी क्या बन जाती है, घनाभ बन जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम आयत के ऊपर आयत रखते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें घनाभ मिल जाएगा। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चलिए तो घनाभ क्या होता है, घनाभ एक ऐसे त्रिविमीय आकृति होती है जिसके पास 6 आयताकार फलक होते हैं। क्या बोला, देखिए यहाँ पे आयताकार फलक बोलने का मतलब क्या है कि यानी कहने का मतलब क्या है, हम आयत को क्या करते हैं, जैसे शुरू में आयत रहता है इसको हम लोग एच हाइट तक बढ़ा देते हैं तो हमें घनाभ मिल जाता है। तो इसको देखिए बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ। संजय धनिया नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है अपना माइक म्यूट रखे बाबू। देखिए सारे बच्चे अब स्क्रीन पे नहीं ध्यान देंगे, मेरे तरफ ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से। देखिए मैंने आपके लिए देखिए एक घनाभ बना रखा है, देखिए सभी बच्चों को दिख रहा है ये घनाभ है। अगर आप इसको सामने से देखिएगा तो आपको ये क्या दिखेगा, आयत दिखेगा, क्या दिखेगा, आयत दिखेगा, दिख रहा है आयत, क्योंकि इस पर देखिए ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ये क्या दिखेगा सामने से, आयत दिखेगा, ठीक है, ध्यान देंगे सभी चीज इधर ध्यान देंगे। देखिए ये आयत दिखेगा, लेकिन अगर इसको हम लोग एच हाइट तक, देखिए आप इसको थोड़ा सा देखिए इधर एच हाइट तक इसको देखिए मैंने उठा दिया, एच हाइट तक जब इसको उठा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा घनाभ बन जाएगा। देखिए अब हमें ये बोल रहा है घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, तो क्या बोला है 6 फलक होते हैं, कैसे देखा हमने, देखिए सारे बच्चे ध्यान देते जाएंगे, मैं लिखते चलता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए ये है पहला, इसमें क्या लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक, मैंने लिख दिया एक, एक लिख दिया। देखिए जस्ट अब इसके पीछे कौन सा होगा, एसी के आकार का होगा इसके पीछे, देखिए मैंने इसके पीछे लिख दिया, मैंने यहाँ पे दो, क्या लिख दिया मैंने इसके पीछे दो, ठीक है। देखिए पहला ये एक था, इसके पीछे मैंने लिख दिया दो, ठीक है। अब आती है बात कि और चार कौन कौन से है, तो मान लीजिए देखिए अब इधर से देखिए ये भी हमारा क्या है, ये भी आए थे, तो मैं क्या करता हूँ इसमें लिख दिया मैंने तीन, मैंने इसमें लिख दिया देखिए तीन, और इसके पीछे क्या होगा, ये हो जाएगा चार, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया चार, तो हमारे पास टोटल चार हो गए, अभी भी दो बाकी है। चलिए दो कौन सा है, देखिए एक ये बच गया है, तो ये हो गया आपके पास देखिए पांच, क्या बच गया ये पांच, और ये आपके पास हो जाएगा छ, ये हो जाएगा आपके पास
छः। तो इस प्रकार एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं? फलक मतलब होता है जो आपको सामने से दिखे, जो आपको सामने से दिखे। देखिए कौन सा दिख रहा है, ये सामने से पूरा ये क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र दिख रहा है, ये आपको सरफेस दिख रहा है। ये सरफेस आपका फलक कहलाएगा, फेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फलक कहलाएगा, फेस कहलाएगा। इस प्रकार एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं? एक घनाभ के पास 6 फलक होते हैं। मैंने दिखा दिया आपको, देखिए पहला 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। आगे सर बच्चों को समझ में? तो सारे सर बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चार रुक्स में। एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये बताइए, सारे बच्चे बताएंगे ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये किस प्रकार की आकृति है? घनाभ है तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर ये घनाभ है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये घनाभ है, क्यों घनाभ है, क्यों घनाभ है, जो बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे क्यों घनाभ है, तो ये इसलिए घनाभ है, ये इसलिए घनाभ है, ये इसलिए घनाभ है, क्योंकि क्योंकि ये जो है आयत से मिलकर बना है, क्योंकि ये आयत से मिलकर बना है। ये हो गया आपकी लंबाई और ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। तो इस प्रकार जब 6 आयत मिलते हैं तो हमें घनाभ मिलता है। इस प्रकार जब हम आयत को h हाइट तक बनाते हैं तो घनाभ होता है। तो घनाभ पहचानने का तरीका क्या है? तो घनाभ का सभी के सभी फलक आयत होते हैं। देखिए ये भी फलक क्या होगा, ये भी फलक, ये भी फेस क्या है, आयत है, ये भी फेस क्या है, आयत है, ये भी फेस क्या है, आयत है, ये भी फेस क्या है, आयत है। यानी घनाभ के सभी फेस क्या होते हैं? आयत होते हैं। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे, जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं। तो एक घनाभ के पास 6 फलक होती हैं, एक घनाभ के पास 6 फलक होती है। आगे समझ सारे बच्चों को? चलिए कौन कौन सी फलक होती है इसकी, चलिए देख लेते हैं हम लोग सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो देखिए, तो एक घनाभ के पास जो होता है 6 आयताकार फलक होती है। तो इस प्रकार ऐसी आकृतियों को हम लोग बहु फलक कहते हैं। बहु फलक मतलब क्या होता है? बहु मतलब होता है बहुत, और फलक मतलब क्या हो गया आपका? फेसेस, भुजा, मतलब बहुत सारी भुजाएं होती हैं, फलक होती हैं, इनकी सरफेस होती है, बहुत सारी सरफेस होती है, उसको कहते हैं बहु फलक। आगे समझ में यहां तक? चलिए इसी प्रकार फलक हम लोगों ने समझ लिया। फलक कितना होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे, फलक क्या होती है, फलक क्या होती है? एक घनाभ के पास कितनी फलक होती हैं? सारे सर बच्चे बताएंगे एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितने फेसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं? तो 6 फेसेस होते हैं। तो अगर सारे बच्चों को ये फलक समझ में आ गया, फलक बहुत ही सरल था आपका, ये सामने से ये आयत जो सरफेस दिखता है, जितनी सरफेस से मिलकर एक घनाभ बनता है, जितने क्षेत्रों से मिलकर एक घनाभ बनता है, जितने पृष्ठों से मिलकर एक घनाभ बनता है, उसे कहते हैं फलक। तो देख सकते हैं घनाभ बहुभुजीय क्षेत्रों पृष्ठों से मिलकर बना है तो उसके वो फलक कहलाते हैं। तो इस प्रकार एक घनाभ के पास 6 फलक होते हैं। एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। चलिए अब उसी प्रकार हम लोग सीखने जा रहे हैं किनारा किसे कहते हैं, किनारा किसे कहते हैं, एज किसे कहते हैं। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जहां दो फलक मिलते हैं, जहां दो फलक मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं किनारा। चलिए वो भी सीख लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे। देखिए किनारा किसे कहते हैं, सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे। देखिए जहां दो फलक मिलती है उसे क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। ध्यान देंगे, इधर देखिए, चलिए इधर देखिए सारे बच्चे, इधर देखिए, देखिए ये एक फलक हो गया, देखिए ये एक फलक और ये एक फलक कहां मिल रहे हैं दोनों, तो दोनों जो है इस रेखाखंड पे मिल रहे हैं, ये जो किनारा है ये रेखाखंड पे मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं किनारा। उसी प्रकार देखिए ये एक फलक हो गया और ये एक फलक हो गया, दोनों कहां मिल रहे हैं, दोनों इस किनारे पर मिल रहे हैं,
इस किनारा को बोलेंगे हम लोग एज, इसी किनारा की बात कर रहे हैं। इस प्रकार किनारा क्या होता है, किनारा वो होता है जहां पे दो फलक मिलते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, किनारा वो होता है जहां पे दो फलक मिलते हैं। तो देखिए ये फलक और ये फलक कहां मिल रहे हैं, इस रेखाखंड में मिल रहे हैं, तो ये रेखाखंड क्या कहलाएगा हमारा, किनारा कहलाएगा। चल इधर भी देख लेते, देखिए ये एक फलक हो गया और एक ये फलक हो गया, कहां मिल रहा है, तो ये इस रेखाखंड पर मिल रहा है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग किनारा, इसे क्या कहेंगे हम लोग किनारा। समझ में आ गया सर बच्चों को, अगर सारे बच्चों को ये किनारा समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर सारे बच्चों को ये किनारा समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो कौन कौन सी इसके किनारा हो गए, देखिए मैंने यहाँ पे इसको लाल कलर से डिनोट कर दिया है, कौन कौन सी इसकी किनारा हो गई, देखिए यहाँ पे एक फलक है, अरे कि ऊपर वाला फलक, एक सामने वाला फलक, इस भुजा पर मिल रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी किनारा एज एज, ये हमारी क्या कहलाएगी किनारा एज एज, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी किनारा एज एज, ठीक है। चलिए अब इसी बार इसी प्रकार एक बात आती है शीर्ष की, कि शीर्ष हमें किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने सीखा था कि जहां दो भुजाएं मिलती हैं, जहां दो भुजाएं मिलती है, जैसे एक भुजा ये हो गई, जिस बिंदु पे दो भुजा मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग शीर्ष। चलिए इसका कलर चेंज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मेरे पास तीन भुजा है, तीन किनारा है, तो यहाँ पे हम लोग वही बताएंगे कि जहां पे तीन किनारा मिलते हैं, जहां पे तीन किनारा मिलेंगे उसे क्या कहेंगे, उससे हम लोग कहेंगे शीर्ष। तो इसे क्या कहेंगे, इससे हम लोग कहेंगे शीर्ष एजेस, इसे क्या कहेंगे शीर्ष वर्टेक्स। तो इस प्रकार सारे सर बच्चे बताएंगे कि एक घनाभ के पास कितने वर्टेक्स होते हैं, एक घनाभ घनाभ के पास कितने शीर्ष होते हैं, सारे सर बच्चे बताएंगे एक घनाभ के पास कितने शीर्ष होते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे ये जाकर यहां से मिल रहा है, एक हो गया, दो शीर्ष हो गया, इस प्रकार ये तीसरा शीर्ष, ये चौथा शीर्ष, ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये पांचवा शीर्ष, छठा शीर्ष, सातवां शीर्ष, ये हो गया आठवां शीर्ष। तो इस प्रकार एक घनाभ के पास कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो कुल आठ शीर्ष होते हैं, कुल आठ शीर्ष होते हैं। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो एक घनाभ के पास कितने शीर्ष होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत कितने शीर्ष होते हैं। चलिए तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपके पास मात्र 30 सेकंड का वक्त है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना। आपका इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मात्र 30 सेकंड का वक्त है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, लास्ट 10 सेकंड इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 10 सेकंड का वक्त है। अब चलिए उल्टी गिनती में स्टार्ट करता हूं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न, मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि एक घनाभ के पास कितने शीर्ष होते हैं, तो एक घनाभ के पास कितने शीर्ष होते हैं, आठ शीर्ष होते हैं। तो ये शीर्ष हो गया 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी एक घनाभ के पास आठ शीर्ष होते हैं, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। चलिए इसी प्रकार सारे सर बच्चे एक और प्रश्न बताएंगे, सारे सर बच्चे एक और प्रश्न बताएंगे जो कि आपके स्क्रीन पे दिया गया है, सारे सर बच्चे एक और प्रश्न बताएंगे जो कि आपके स्क्रीन पे दिया गया है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है, इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बोला गया है दिए गए घनाभ में हर रंग से क्या दर्शाया गया है, हर रंग से क्या दर्शाया गया है, जो हर रंग जो ये दिया गया आपको, हर रंग से क्या दर्शाया गया है, फलक किनारे शीर्ष बिंदु, क्या दर्शाया गया है हर रंग से, जो हर रंग से दिया गया है बॉर्डर में डाला गया, वो क्या दर्शाया गया है, किनारा फेसेस शीर्ष बिंदु। चलिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए मात्र 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कीजिए।
चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही सरल है, जहां दो फेसेस मिलती है वहां क्या बनता है, वहां किनारा बनता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सब ग्रीनलैंड क्या है, ये हमारी किनारा है, ये हमारी क्या है, ये हमारी किनारा है। ये मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घन। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे, थोड़ा बहुत मैं घन के बारे में बताया था आपको, एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि घन जो होता है ये किससे मिलकर बना होगा, घन जो होता है ये किससे मिलकर बना होगा। तो देखिए, ये जो होता है घन जो होता है ये स्क्वायर मतलब वर्ग से मिलकर बनी होती है। कैसे, देखिए ये हो गई हमारी वर्ग, ठीक है। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी इसकी, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग इतना ही लंबाई की ऊंचाई पे, इतनी ही लंबाई की ऊंचाई पे अगर इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, इतनी लंबाई की ऊंचाई पे अगर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं तो ये हमारी बन जाती है वर्ग, ये हमारी बन जाती है वर्ग, ठीक है। इतनी लंबाई की अगर ऊंचाई बढ़ा देते हैं तो ये हमारी बन जाती है वर्ग। तो वर्ग भी क्या होती है, इस प्रकार घन का बताएंगे सारे बच्चे, सभी सभी बच्चे बताएंगे घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारे सारे बच्चे बताएंगे। इस प्रकार घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या बराबर होती है। अगर बराबर होती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, मतलब ये सारी की सारी बराबर होती है, ये सारे सारे बराबर होती है। तो इस प्रकार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ, सभी से बच्चे बताएंगे कि घन के पास कितनी फलक होती है, घन के पास भी कितनी फलक होंगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, घन की कितनी फलक होंगी। सभी से बच्चे बताएंगे 6 फलक होंगी, जैसे घन आपके पास 6 फेसेस हैं, 6 फलक हैं, उसी पर इसके पास होंगी। इसकी किनारे कौन कौन सी होंगी, इसकी किनारे भी वही, जहां दो फलक मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सारे सारे हमारे किनारे कहलाते हैं। तो ये हमारी कहलाएंगी किनारे। इसी प्रकार घन के पास भी कितने शीर्ष होंगे, सारे बच्चे बताएंगे घन के पास भी कितने शीर्ष होंगे, सभी सभी बच्चे बताएंगे इसके पास भी 8 शीर्ष होंगे। कौन कौन, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। घन के पास भी कितने शीर्ष होंगे, 8 शीर्ष होंगे, ठीक है। घन के पास भी कितने शीर्ष होंगे, तो 8 शीर्ष होंगे। चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाया था, ध्यान देंगे। देखिए ये हो जाएंगे आपके फलक और ये हो जाएंगे आपके किनारे, है ना, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार इसके पास कितने, घन के पास कितने किनारे होते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चलिए ध्यान देंगे। चलिए ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। एक घन के कितने किनारे होते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए, एक घन के पास कितने किनारे होते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, लास्ट 30 सेकेंड, सरलतापूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दीजिए कैसे काउंट करना आपको। देखिए देखिए, यहां से यहां तक लेकर एक किनारा, इसको मान लीजिए 1, ये हो गया आपका 2। चलिए इसी प्रकार आपको काउंट करने, काउंट करके एक बार जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया। चलिए देख लेते हैं, चलिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 4, है ना। चलिए अब इसी प्रकार और देख लेते हैं, चलिए अब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा आपके पास 7 और ये हो जाएगा आपके पास 8, है ना। चलिए अब इसी प्रकार एक और देख लीजिए, चलिए पीछे देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपके पास पीछे वाला 9,
ये जगह आपके पास 10, ये जगह आपके पास 11 और ये जगह आपके पास पीछे वाला 12। इस प्रकार कुल कितने किनारे होंगे? तो घन के पास भी, घन का भी और घनाभ का भी, दोनों के दोनों कितने किनारे होंगे? तो दोनों के किनारे होंगे 12। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, आगे सर बच्चों को समझ में? चलिए, अगर यहां तक सर बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सर बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे सर बच्चे। आपका होमवर्क है आज का प्रश्नवाली 9.1। आज का होमवर्क है आपका प्रश्नवाली 9.1। जल्दी से जल्दी सारे सर बच्चे स्क्रैच का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। अगर यहां तक किसी बच्चे का डाउट है वो बच्चा